इंदौर के चिड़ियाघर में हाल ही में हुई हथिनी की मौत के बाद उसका साथी मोती काफी गुस्से में है, जिसके चलते आज उसने चिड़ियाघर के बाड़े में बनी दीवार को तोड़ने की कोशिश की और दीवार को तोड़ दिया। समय रहते चिड़ियाघर प्रबंधन ने उसे कंट्रोल में लिया और उसका इलाज शुरू किया। चिड़ियाघर में हाथी मोती बेकाबू हो गया और बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दीवार तोड़ने का प्रयास किया और दीवार तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। चिड़ियाघर प्रबंधन ने उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश की। पिछले दिनों चिड़ियाघर में वर्षों से रह रही हथनी की मौत हो गई थी। वहीं उसका साथी मोती उसके बाद से काफी गुस्से में है। मोती ने चिड़ियाघर में बने हाथी के बाड़े को तहस नहस कर दिया। जब इस बात की जानकारी चिड़ियाघर प्रबंधन को लगी तो उसे कंट्रोल किया गया व उसका इलाज शुरू किया गया। चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव के मुताबिक हाथी की प्रजाति में उम्र के मुताबिक गुस्सा बढ़ता जाता है। वो साल में एक दो बार ऐसी हरकतें करता है जिसमें उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। फिलहाल हाथी मोती को ट्रैंकुलाइज कर उसका इलाज शुरू किया गया है। और अभी जिस तरह का उसने इंश्योरेंस किया, दीवार तोड़ने का प्रयास किया था, क्योंकि दीवार को ज़्यादा नुकसान तो किया उसने, अब हम लोग उसको स्लाइड ट्रिंकुलाइज करके उसको कंट्रोल करें किया हुआ है, और अब कंट्रोल करने के बाद वो वॉल रिपेयरिंग का काम चालू करेंगे। आपको बता दें कि ये हाथी बहुत कम उम्र की अवस्था में इंदौर के चिड़ियाघर में लाया गया था और वो 40 वर्षों से अधिक समय से इंदौर के चिड़ियाघर में रह रहा है। वो सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है और पिछले दिनों अपनी साथी की मौत के बाद से वो गुस्से में है और इस वजह से आज उसने चिड़ियाघर की दीवार तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया। फिलहाल उसे काबू में कर लिया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।